नमस्कार। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की असेसमेंट नंबर 1 मैथमेटिक्स की क्लास 10th की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट -2 और 6 लाइज। -2 हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई है 6। तो जब हम एक बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन और उस पे लोकेट करके देखेंगे, अगर हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब दूसरा SCF है 195 का और 87 का वो 3 है और LCM बताना है। तो इसके लिए हम एक इजी मेथड अप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों नंबर्स को 195 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे और LCM जो होता है जब हम उसे SCF से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद LCM जो है LCM का जो SCF हमारा 3 था उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 195 इंटू 87 हमारा आ जाएगा 2। तो इसके बाद अगर हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आ रहा है 56 155, तो आपका बिल्कुल सही है। अब थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। अब ट्री कौन सी है? सो ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसका हाफ होता है पी पॉइंट का, जो कि सरकमफेरेंस पे मीट कर रहा होता है। इस पॉइंट का हाफ होता है ये ओ पॉइंट, जिसको हम सेंटर कहते हैं सर्कल का। तो इससे हम कौन सी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा है QOR और ये क्या है QPR। तो QPR जो है उसका आधा है QOR, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। अब जीरो क्या है पॉलिनोमियल 4x+3 में, तो 4x+3 की वैल्यू क्या निकालना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस तरफ जीरो लेंगे, सो करेंगे तो एक्स हमारा प्लस का था माइनस का हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही है। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में जो एक्स वाई जेड है वो कितना है, 118 है उसका एरिया और एक्स एस कितना है, ये 4 है और एक्स एस वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें वाई जेड निकालनी है, तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस वाई जेड दे रखा है और हाइट क्या है हमारी, हाइट है हमारी 4 और हमारा एरिया कितना है 118। सो इससे ये कटेगा 2 को इधर लेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, आ जाएगा 59, बिल्कुल सही। अब आगे सल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का, तो हम ये चारों वैल्यू लगा के देखेंगे। वैसे तो वैल्यू जो है वो 1 और 2 करेक्ट है, सो ये अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन, इसका पहले ही मतलब समझ में क्या है, एक सर्कल जिसके चारों पॉइंट जो है उसके बीच का जो है क्वाड्रिलेटरल वो मैच कर रहा है इस सरकमफेरेंस पे, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसके सारे पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो इरेशनल होते क्या है, जो कभी रिपीट नहीं होते तो खत्म नहीं होते। तो √36 का 6 आ जाएगा, 0.85 खत्म हो रहा है और 1.434343 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों रेशनल है और ना तो ये रिपीट हो रहा है ये और ना ही खत्म हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे बना के देखेंगे, तो हमारा पॉइंट कौन सा लाई करेगा, हमारा 0 1 -2 पॉइंट जो है वो हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस पे। अब BM जो है वो मीडियन है ट्राइंगल BCD का, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है।
पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये बीसीडी ट्रायंगल है, बी सी डी, और ये इसका क्या है, मीडियन है। सो मीडियन को हम क्या लेंगे, एम, पी एम हो गया हमारा मीडियन। अब फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है, तो एम जो है वो तो मिड पॉइंट है सीडी का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बी सी एम बी डी एम का हाफ है, तो हम सभी जानते हैं जब मीडियन होता है ट्रायंगल का तो ट्रायंगल दो हिस्सों में हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है बी सी एम जो है वो बी डी एम का बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बी डी एम तो और बी सी एम तो दोनों इक्वल ही है, क्योंकि ये बी एम जो है मीडियन और ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ भी देख लेते हैं, बी सी डी जो है वो बड़ा है बी सी एम से, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी सी एम एक पार्ट है और बी सी डी पूरा ट्रायंगल है, तो हमारी सी गलत हो जाएगी। तो ये थी वर्कशीट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।